साथियों, बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में एक देशों ने और कुछ देशों ने दूसरों के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दशकों तक वो ये सोचते रहे कि प्रकृति से इस छेड़छाड़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आएगा। वो देश इसे दूसरों के ऊपर ही डालते रहे, लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती है। मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाद बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर हम गलतियों को सुधारें, लगातार अच्छे काम करें, तो समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। माव मैयेथ पुण्यस, माव मैयेथ पुण्यस न मन तन आग मिस्तति, उद बिंदु निपाते न उद कुंभोपि पुरति, धीरो पुरति पुण्यस थोकम थोकम पी आचिनन। अर्थात किसी कर्म का फल मेरे पास नहीं आएगा ये सोचकर पुण्य कर्म की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है। साथियों, हर व्यक्ति का हर काम किसी ना किसी रूप में धरती को प्रभावित कर रहा है। हमारी लाइफस्टाइल है, चाहे जो हो, हम जो भी पहनते हो, हम जो भी खाते हो, हम जिस भी साधन से यात्रा करते हो, हर बात का प्रभाव होता ही होता है, फर्क पड़ता ही पड़ता है। हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ भी सकता है। अगर लोग जागरूक होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करें तो इस बड़ी समस्या से भी निपटा जा सकता है। और यही तो बुद्ध का मार्ग है। इसी भावना को लेकर भारत ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये मिशन भी बुद्ध की प्रेरणाओं से प्रभावित है, बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाता है।